नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण टर्म क्रॉस केस के बारे में समझेंगे। देखो क्रॉस केस क्या होता है सबसे पहले तो ये जानते हैं। देखो कोई भी दो पक्षकारों के दो पार्टीज के बीच कोई घटना होती है, एक ही घटना को लेकर जैसे मारपीट की घटना हुई दोनों के बीच में, तो जिसमें दोनों को चोट दोनों पक्षकारों को चोट लगती है, ए और बी दोनों को चोट लगती है, तो ए बंदा जाके थाने में FIR दर्ज करवा देता है कि मुझे चोट लगी बी के साथ। कोई जमीनी विवाद था, ज़्यादातर जमीनी विवादों में इस तरह के क्रॉस केस होते हैं, मतलब पहले ए ने FIR करवा दी थाने में जाके, फिर बी भी जाता है कि हम दोनों का झगड़ा हुआ था, ए के परिवार का और मेरे परिवार का, तो ए ने मेरे को भी चोटकारित की है बी ने, तो बी भी थाने में FIR दर्ज करवा देता है। दोनों की एक दूसरे के विरुद्ध FIR होगी, ए बी के विरुद्ध करवा देता है और बी ए के विरुद्ध करवा देता है, दोनों एक दूसरे के विरुद्ध जो FIR दर्ज करवाते हैं इनको एक क्रॉस केस कहते हैं। यानी कि ए ने भी केस कर दिया बी और बी के परिवार के विरुद्ध, और बी ने भी केस कर दिया ए और ए के परिवार के विरुद्ध, तो दोनों का आपस में केस होना ये क्रॉस केस माना जाता है एक दूसरे के विरुद्ध। तो इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है ये भी जानेंगे। देखो सबसे पहले तो क्रॉस केस में फायदा ये होता है कि अगर आप देखो दोनों पक्षकारों ने एक दूसरे पे केस कर रखा होता है, तो इस तरह दोनों पार्टीज ही सुलह की संभावना ज़्यादा होती है। सुलह मतलब समझौते की संभावना, दोनों पार्टी आपस में साथ में मिल बैठ के अपना मामला सुलटा सकती है और मतलब समझौते के आधार पे ही FIR लग सकती है। FIR मतलब फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट का मतलब मामला बनना नहीं पाया गया, इस आधार पे पुलिस FIR लगा सकती है, क्योंकि जब दोनों पार्टियों में सुलह समझौता हो गया है तो उसके आधार पे मामला बनना ना पाया जाके, यानी कि जब दोनों पार्टी राजी, वही एक कहावत है जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली बात है, क्योंकि ये चोट से संबंधित छोटे मोटे मामले होते हैं इसमें FIR लगा देते हैं। और इसके बाद है कि अगर FIR भी नहीं लगती शुरुआती दौर पे और कोर्ट में मामला चला जाता है, यानी कि चालान पेश हो जाता है, चालान को हम बाद में किसी और लेक्चर के माध्यम से समझेंगे, तो कोर्ट में मामला जाने के बाद भी सुलह हो सकती है इनमें। दूसरा, दोनों पार्टियों जो FIR अलग अलग मुकदमे हैं इन दोनों का साथ में ट्रायल हो सकता है, साथ में विचारण, कोर्ट साथ में इनको ले सकती है, साथ में विचारण कर सकती है, और इनमें दोनों पक्षकार ये बचाव रख सकते हैं। क्या बचाव रख सकते हैं कि मेरे इस मतलब ए और ए के परिवार ने भी ये बचाव रख सकता है, मेरे चोट मारी, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया, इसमें ही हमने बचाव में मतलब डिफेंस में ऐसा कदम उठाया है, आपस में दोनों लड़ते हुए आपस में चोटें लगी हैं, इसलिए किसी का दोष नहीं है, इसलिए बचाव रखा जा सकता है, इससे भी बचाव मिल सकता है, यानी कि संदेह का लाभ दे के कोर्ट बरी भी कर सकती है ये, यानी कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध, क्योंकि दोनों के केस किए हुए एक दूसरे के विरुद्ध, तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध बचाव ले सकते हैं, ये ध्यान रखना है इसमें। तो इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, बचाव लिया जा सकता है। दूसरी बात, कोर्ट के माध्यम से भी अगर वो समझौते लायक मामला है तो कोर्ट के अंदर दोनों एक दूसरे के मैटर में ए बी के विरुद्ध और बी ए के विरुद्ध दोनों एक दूसरे के मैटर में समझौता लिख सकते हैं कि हमें आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो इनमें समझौता भी हो सकता है। और दूसरी बात, ये क्रॉस केस कौन से होते हैं, एक ही घटना के बारे में, अलग अलग घटना नहीं होनी चाहिए। जैसे एक ही टाइम एक ही समय में लड़ाई झगड़ा हुआ, दोनों के आपस में चोट लगी लड़ाई झगड़े में दोनों के परिवारों में, तो दोनों के परिवारों ने एक दूसरे के विरुद्ध FIR दर्ज करवा दी, तो वो एक ही घटना, अलग अलग घटना नहीं, एक घटना कहीं और हो रही है किसी दूसरे के विरुद्ध हो रही है, तो वो क्रॉस केस नहीं माना जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ये क्रॉस केस का जो कंसेप्ट है वो इस तरह हम समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जमीनी मामलों में होता है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर क्लिक कर दें, जिससे कि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।